सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, टेक्निकल सलमान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो के B23 प्रो फोन के 100 डाटा इन्फॉर्मेशन सेटिंग के बारे में। हाँ सो अगर आपके पास वीवो का B23 प्रो फोन है, आप चाहते हो अपने फोन में डेली डाटा यूजिंग सेटिंग को एनेबल करना एंड कैसे करना है, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं वीवो के B23 प्रो फोन के सेटिंग से। फाइनली इस अपडेट के बाद जो कि यहां पे अगस्त के महीने में वीवो के B23 प्रो फोन में अपडेट आया था, उसी के साथ एक नया सेटिंग आपको देखने को मिल जाता है। पहले जो कि वीवो के B23 प्रो फोन में 100 डाटा इन्फॉर्मेशन सेटिंग का ऑप्शन नहीं था, लेकिन अपडेट के बाद यहां पे ऐड कर दिया एंड मैं आप लोग को इसी के बारे में बताने वाला हूं इसे कैसे आपको अपने फोन के सेटिंग से एनेबल करना है, मैं आपको इस वीडियो में पूरे डिटेल में बताने वाला हूं। साथ में यहां पे हम बात करेंगे डाटा लिमिट सेटिंग के बारे में एंड यहां पे आपको डाटा सेवर मोड के भी बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में बताने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं, इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लेना एंड इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप लोग फॉलो कर लेना। तो फाइनली दोस्तों हम बात करने वाले हैं वीवो के B23 प्रो फोन के 100 डाटा इन्फॉर्मेशन सेटिंग के बारे में। तो चलते हैं अपने फोन के स्क्रीन पे और आप लोग को चल के बता देते हैं। वेलकम टू माई YouTube चैनल टेक्निकल सलमान। तो फाइनली दोस्तों साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगा। तो जहां पे हम बात करने वाले हैं वीवो के B23 प्रो फोन के डेली डाटा यूजिंग सेटिंग के बारे में, यहाँ पे आप इसे कैसे अपने फोन के सेटिंग से इनेबल करोगे मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं अपडेट के बाद यहाँ पे जो कि ऐड कर दिया गया है 100 डाटा इन्फॉर्मेशन सेटिंग, जो कि यहाँ पे इसे आप अपने फोन के सेटिंग से ऑन कर सकते हो एंड कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। तो आपको इसको ऑन करने के लिए जाना होगा अपने फोन के सेटिंग के अंदर। तो जैसे आप अपने फोन के सेटिंग के अंदर आओगे उसके बाद आपको सर्च पे क्लिक करना है, यहाँ पे सेटिंग के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा, आपको जल्दी से यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना एंड यहाँ पे आप सर्च कर लेना 100 डाटा इन्फॉर्मेशन सेटिंग। जैसे यहाँ पे सर्च करोगे आपको कुछ इस तरीके का सेटिंग देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना, ओके पे क्लिक करना, उसके बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पे 100 डाटा। यहाँ पे आप जैसे ऑफ करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं देखने को मिलता। जैसे यहाँ पे मैं ऑन करता हूँ, अब यहाँ पे मैं ऑन करता हूँ तो यहाँ पे हमारे नोटिफिकेशन के अंदर मिल जाते हैं यहाँ पे हमारा कितने MB तक कितने GB तक डाटा यूज होते हैं, यहाँ पे हमारा डेली का पता चल जाएगा। जो कि एयरटेल के सिम पे हमने यूज किया है 463 MB, अगर आप भी यूज करते होंगे तो आपका भी यहाँ पे पता चल जाएगा। उसके बाद आप मंथली कितना MB GB यूज करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे 26 GB यूज हो चुका है। तो फाइनली इस तरीके से आप चेकआउट कर सकते हो अपने फोन में वीवो के B23 प्रो फोन में 100 डाटा इन्फॉर्मेशन सेटिंग को ऑन करके एंड यहाँ पे आप पता लगा सकते हो कितने GB एंड कितने MB तक आप दिन में डाटा यूज कर लेते हो एंड कितना MB आपका बचा हुआ है, सब कुछ यहाँ पे आप पता लगा सकते हो। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर और भी सेटिंग मिल जाते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ और भी सेटिंग के बारे में। जैसे कि यहाँ पे आपको मिल जाता है डाटा सेवर, तो यहाँ पे आपको डाटा सेवर मोड को भी इनेबल कर सकते हो। यहाँ पे आपका डाटा सेवर रहेगा, कौन सा एप्लीकेशन पे सेव करके रखना चाहते हो आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हो, इसे या तो ऑन भी कर सकते हो। तो फाइनली इसके बाद मिल जाता आपको दूसरा ऑप्शन नेटवर्क मैनेजमेंट का ऑप्शन, यहाँ पे आप नेटवर्क मैनेजमेंट भी कर सकते हो इसके अंदर। उसके बाद मिल जाते हैं आपको यहाँ पे जो कि डाटा यूजिंग, जो कि यहाँ पे 26 GB मंथली डाटा यूज हो जाते हैं हमारा, तो इसे आप चेकआउट कर सकते हो कितने कौन से एप्लीकेशन पे कितना MB डाटा आप यूज कर लेते हो। जो कि मेरा यहाँ पे क्रोम ब्राउजर पे 14 GB एंड यहाँ पर हमारा यूट्यूब पे 3 GB एंड फेसबुक पे 2 GB, तो हम इन तीनों एप्लीकेशन पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं तो हमारा यहाँ पे डाटा भी यूज होता रहता है। उसके बाद डेली का यहाँ पे मिल जाता है, तो डेली का हमारा फेसबुक है एंड यूट्यूब है, यहाँ पे हमारा जो कि फ्लिपकार्ट है एंड क्रोम वाइट स्टूडियो है, तो सभी एप्लीकेशन यहाँ पे शो हो जाते हैं डेली में। तो फाइनली इस तरीके से आप वीवो के B23 प्रो फोन के सेटिंग से चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद मिल जाते हैं आप दोस्तों यहाँ पे डाटा लिमिट, जो कि यहाँ पे डाटा लिमिट को भी आप सेट कर सकते हो कितने GB तक आपको डाटा लिमिट रखना है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे डाटा लिमिट को 2 से 5 GB तक भी सेट कर सकते हो, यहाँ पे आप 2 से 5 GB तक भी रख सकते हो, अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे मैं रखने वाला हूँ सिर्फ 2 GB, तो हम यहाँ पे 2 GB रख लिए हैं। उसके बाद आप लिमिट को सेट ऑन कर दोगे, यहाँ से आपका ये लिमिट ऑन हो जाएगा। तो फाइनली ये दोस्तों ओके पे क्लिक करने के बाद आपका ये लिमिट ऑन हो जाएगा, 5 GB तक भी आप रख सकते हो एंड यहाँ पे 2 GB तक भी रख सकते हो। वार्निंग आपको मिल जाएगा यहाँ पे सेट डाटा वार्निंग, जो कि यहाँ पे सेट डाटा वार्निंग का मतलब होता है कि यहाँ पे जब डाटा आपका खर्च हो जाएगा तो आपके पास वार्निंग आ जाएंगे वीवो का B23 प्रो फोन में। तो ये दोस्तों वार्निंग है एंड यहाँ पे साइकिल यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, साइकिल आउट यहाँ पे आप कितने टाइम तक यूज करना चाहते हैं, कितने मंथ तक आप इसे सेट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर आपको और ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता, यहाँ पे आपको 100 डाटा इन्फॉर्मेशन सेटिंग को एनेबल करना, उसके बाद आपके पास इस तरीके का
इनेबल हो जाएगा, आप कितना एमबी कितना डाटा यूज करते हैं। डेली डाटा यूजिंग सेटिंग आपके फोन में ऐड कर दिया गया है वीवो के B23 Pro फोन में। तो फाइनली मैंने आप लोग को बता दिया, यहां से भी आप कर सकते हो। अदरवाइज आपको यहां सेटिंग के अंदर नहीं मिलता है तो आप अपने आई मैनेजर के अंदर आओगे, यहां पर आपको मिल जाएगा डाटा मैनेजमेंट, यहां पर क्लिक करोगे, यहां से भी आपको यह सेटिंग मिल जाएगा, यहां से भी आप इसे ऑन कर सकते हो। तो फाइनली मैंने आप लोग को डिटेल में बता दिया वीवो के B23 Pro फोन में 100 डाटा इन्फॉर्मेशन सेटिंग को इनेबल करने के बारे में, एंड यहां पे आपको डेली डाटा के बारे में आप लोग को बता दिया, एंड यहां पे आपको डाटा सेवर मोड के बारे में बता दिया, एंड यहां पे डाटा वार्निंग के बारे में भी आप लोग को बता दिया। सब कुछ इस वीडियो में पूरे डिटेल में बता दो तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के इंप्रेस कर लेना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय दोस्तों।